कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वायरस ने शहर में तांडव मचाकर रख दिया है। कानपुर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के बाद इस वायरस ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। जीका वायरस के कानपुर में कुल मिलाकर 89 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले शनिवार को कन्नौज में भी पहला जीका वायरस का केस सामने आया था। पीड़ित की उम्र 45 साल थी, जिसमें जीका वायरस होने की पुष्टि हुई थी। वो शख्स कानपुर के शिवराजपुर स्थित कासामऊ गांव में रुका हुआ था। उसका सैंपल 3 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। जीका वायरस के लक्षणों की बात की जाए तो वैसे इसके लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, शरीर पर चकते पड़ना, जोड़ों में दर्द का होना। जीका वायरस मच्छर के कारण फैलता है। ये वायरस एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीज मच्छर ज्यादातर दिन में काटते हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया फैलाता है। अधिकतर लोगों के बीच जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए और खासतौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कानपुर में जीका वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 89 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अगर इन लक्षणों की बात की जाए तो लक्षण कहीं ना कहीं ये डेंगू जैसे ही माने जाते हैं, और मच्छर काटने से ही जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता है।